नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज क्या है, मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। तो आज हम आपको इस अपने ब्लॉग में दिखाएंगे नदी जाके, नदी का पूल अपने जाएंगे, आप सभी को नदी घुमाएंगे। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा पूरा वॉच करिएगा। तो देखिए हम लोग चल रहे हैं अब। ये देखिए यहाँ पर केले का खेती है, बहुत ही अच्छा केला हुआ है। और हमारे साथ हमारे दो छोटे भाई हैं, एक का नाम ब्रजेश और एक का नाम अभिषेक, मेरे नाम का है। तो दोस्तों मैं कोई सौरभ जोशी तो हूँ नहीं कि आप लोग मुझे फॉलो करेंगे, और फॉलो तो नहीं कर सकते हैं लेकिन लाइक तो कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक करते रहिए और भाई के चैनल को सपोर्ट करिए। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, हम लोग देखिए अभी जा रहे हैं। काफ़ी हवा चल रहा है, काफ़ी ठंड का मौसम है। और आज से मेरा ब्लॉग हमेशा इस चैनल पर आता रहेगा, और अपने भाई को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा आप लोग। और जो इनका एक चैनल है, किस नाम से चैनल भाई तुम्हारा? बीके भाई किलर वाईटी। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। तो इनके भी चैनल को जाके आप लोग सपोर्ट करिए, बहुत ही मेहनत ये भी करते हैं। इनका भी ब्लॉग एक चैनल है, एक ब्रजेश ब्लॉग नाम से है, तो इसको भी आप लोग सपोर्ट करिएगा ज़रूर। तो अभी हम लोग रास्ते में हैं, फिर आप लोग को बस अभी 5 मिनट लगेगा हम लोग को जाने में। तो फिर जाके हम आपको वहाँ के पुल के बारे में बताएंगे क्या खासियत है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा, वहाँ पे एक बहुत ही अनोखी बात है जो कि मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो एंड तक देखेंगे तभी समझ में आएगा, तो आप लोग बने रहिएगा लगता। अरे तो फाइनली गाइस, तो हम लोग पहुँच चुके हैं नदी पे, और आप लोग को चल के दिखाते हैं पुल का नज़ारा। और यहाँ पर जो खास बात है आपको हम ज़रूर बताएँगे कि यहाँ पर खास बात क्या है। तो दोस्तों, तो जैसा कि अगर इस वीडियो में अगर आप लोग को आवाज़ सही नहीं जा रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। तो मिलते हैं हम अपने पूल पे। हेलो दोस्तों, ये देखिए जो सब्सक्राइबर हैं कुछ मिल गए हैं हमारे, तो रास्ते में देख गए हैं। आज भाई आज जल्दी चलो भाई, चल 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 चल। तो फाइनली गाइस, तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पुल पे, और पुल पे जो भी यहाँ का जो खास बात है आज हम लोग इस वीडियो में आपको बताएंगे। और चलते हैं और इस वीडियो के बारे में खास बताएंगे। इधर दिखाना थोड़ा भाई कैमरा, देखिए ये जितना सारा दिखाई दे रहा है नदी, यही हमारा गांव है, ये हमारा गाँव है। तो इधर जब भी बारिश का मौसम होता है, जब भी बारिश होती है तो सारा पानी हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि अभी हम चल के आपको, आप लोग वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं कि यहाँ की खास बात क्या है। आ जाओ भाई आ जाओ। तो यहाँ का खास बात है दोस्तों, तो मैं इस अपने खास बात को मैं अपने फ्रंट कैमरे से आप लोग को सभी को दिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा भी इसकी मत करिएगा। अगर मेरा वीडियो यहाँ तक थोड़ा सा भी अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए जरूर। यही पुल है दोस्तों, तो इस पुल के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या खास बात है। इस पुल के बारे में ही खास बात है दोस्तों, जब भी अगर हम इस बगल देखिए, ये जो ये साइड है ये हमारा गोरखपुर जिला है, और जैसे ही हम उस पुल के उस बगल जाते हैं तो वो हमारा देवरिया जिला पड़ जाता है। देखिए कितना रोमांटिक बात है, यहाँ पर बॉर्डर तो अभी हम लोग कभी गए नहीं, बट लेकिन जिले पर जो बॉर्डर पर हम लोग के पास गाँव है, जिले का जो बॉर्डर बना हुआ है, जो डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर है, आप लोग को हम इसी वीडियो में यही सबसे खास बात था कि आप लोग को हम दिखाने वाले थे। जैसे ही हम ये पुल क्रॉस करेंगे, पुल क्रॉस करते ही हमारा देवरिया जिला, और जैसे ही हम अपने पुल के इस बगल आते हैं अपने गोरखपुर जिला में, तो हम लोग का जो घर पड़ता है गोरखपुर जिले में पड़ता है, और पुल के उधर जैसे ही जाएंगे तो हमारा देवरिया जिला पड़ेगा। तो ये सबसे खास बात था हमारे गांव का, और हमारे इस पुल के बारे में आप लोग बता दें कि हम लोग एक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पर हम लोग बसे हुए हैं। और ये पुल के बारे में देखिए, अभी कुछ पानी भी नहीं था यहाँ पर, हाल ही अभी 2-3 दिन पहले बारिश हुआ है ठंड के मौसम में, तभी से मौसम भी चेंज हो गया है यहाँ पर, और मौसम चेंज होने हुआ है, ठंड काफ़ी बढ़ गया है और पानी भी देखिए ज़्यादा बढ़ गया है। तो आप लोग ऐसे बने रहिए, और कुछ आप लोग को दिखाते हैं चल के, अब उस बगल देवरिया जिले में चल के आप लोग को दिखाएंगे, तो आप लोग वीडियो में जरूर इंड तक बने रहिएगा। चलते हैं दोस्तों हम लोग देवरिया जिले में, देखिए कुछ 20 मीटर का बस मात्र फर्क है हम लोग के बारे में, और 20 मीटर में ही हम लोग पहुँच जाएंगे देवरिया जिले में, गोरखपुर जिले से देवरिया जिले, कितनी खास बात है। तो आप लोग वीडियो को इंजॉय करिए और लाइक करिए, जो भी अभी हमारे चैनल पर जो नए हैं तो फटाफट शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए यार, प्लीज़ यार, इतना भाई आपका छोटा भाई मेहनत कर रहा है तो उसके लिए तो कम से कम एक लाइक बनता ही है। आ जाओ भैया, कम से कम कैमरामैन के लिए, कम से कम कैमरामैन के लिए, क्योंकि कैमरामैन खुद बोल रहा है।
हमारे गांव के कुत्ते भी ऐसे देखने के लिए मिलेंगे जो कि गांव में कुत्ते ऐसे होते हैं, बिल्कुल भी अलग होते हैं। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं देवरिया जिला में। तो हम लोग का मात्र यही सबसे इस हमारे पुल की सबसे खास बात थी ये थी कि जो कि बॉर्डर के बाद ही हम लोग का 20 मीटर पे हम लोग का डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर, जैसे हम लोग अपने तरफ से कहते हैं डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर पे, जैसे हम लोग आ चुके हैं देवरिया जिले में। तो देवरिया जिले की कुछ खास बातें बताएंगे हम यहाँ से आपको, और हम आपको अपने फ्रंट कैमरे से आगे फिर बताते हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं देवरिया जिले में, और जैसे ही देखिए इस साइड घुसते तो पुल क्रॉस करेंगे तो अपने गोरखपुर जिला में, और जैसे इधर से इधर आएंगे तो देवरिया जिले में। यही सबसे खास बात थी। और देवरिया जिले में देखिए यहाँ की खास बात, हमारे तरफ एक भी गेहूं कुछ हुआ नहीं है, लेकिन देवरिया जिले में देखिए कितना उपजाऊ ज़मीन है, नदी के किनारे ही। तो दोस्तों अगर आप लोग को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए भाई, और अपने सपोर्ट कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट करिए, ताकि मैं ऐसा ब्लॉग और ऐसा वीडियो आप लोग के सामने हर रोज़ डेली डालता रहूँ। लव यू, बाय, अलविदा। जय हिंद, जय हिंद।